नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल दिन शनिवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आपदा विभाग ने गर्मी को लेकर शिक्षा विभाग से की ये अपील। बिहार में 54 पुलों का होगा निर्माण। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा। कार के लिए इस तरह से मिलता है अपनी पसंद का नंबर। फोन की बैटरी बचाने के जाने 5 तरीके। भारत के एकमात्र युवा अरबपति फोर्ब्स बिलियनर्स सूची में शामिल। आईपीएल 2024 में आज आरआर और आरसीबी के बीच मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबीपीएस ने 7,145 पदों पर निकाली भर्ती। आईबीपीएस द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 7,145 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए अनारक्षित उम्मीदवारों को ₹750 देने होंगे, तो वहीं आरक्षित उम्मीदवारों को इस आवेदन के लिए ₹450 देने होंगे। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों के मुताबिक अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अधिक और सटीक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देख लें। आपदा विभाग ने गर्मी को लेकर शिक्षा विभाग से की अपील। आपदा प्रबंधन विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों को इसके लिए पत्र भेजा गया है। लोगों से हीट वेव और गर्मी को लेकर अलर्ट रहने की अपील की गई है। विभाग ने गर्मी को लेकर स्कूलों का मॉर्निंग शिफ्ट में संचालन की अपील की है। आपको बता दें कि आपदा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर कहा गया है कि अगर स्कूलों का समय नहीं बदले तो समय से पहले स्कूलों को बंद कर देनी चाहिए। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे कुम्हरार परिसर के बारे में। कुम्हरार परिसर पटना में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से पाटलिपुत्र का जन्म हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस परिसर को संचालित और संरक्षित किया गया है। इस स्थान पर प्राचीन पाटलिपुत्र के कई पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पाया गया बलुआ पत्थर से बना 80 स्तंभों वाला हॉल सबसे अनूठा अवशेष माना जाता है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी ने अस्पताल चलाया था। यदि आप ऐतिहासिक स्थानों पर घूमना पसंद करते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिहार में 54 पुलों का होगा निर्माण। बिहार में 54 पुलों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पुल का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से इसके लिए 285 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत किया गया है। इसे लेकर ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से समीक्षा बैठक भी की गई थी। बेहतर कनेक्टिविटी के मकसद से इन पुलों का निर्माण कार्य हो रहा है। कई सड़कों का निर्माण कार्य भी किया गया है। दूसरी ओर कई इलाकों में पुल के नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब पुल के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में पुल का निर्माण होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीमा पार से नशीली पदार्थों की तस्करी और नकली भारतीय करेंसी को जब्त किया गया था। अब सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। चुनाव को प्रभावित करने वाले साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी की जा रही है। पश्चिम चंपारण के बगहा में इस संबंध में सशस्त्र सीमा बल और खुफिया एजेंसी की बैठक भी की गई है। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा की व्यवस्था की समीक्षा की है। डाक विभाग के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डाक विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव का पर्व देश का गर्व नाम का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत करीब 3 लाख पत्रों पर विशेष कैंसिलेशन स्टाम्प लगाया जाएगा। लोगों के घर पर विशेष पत्र पहुंचेगा। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने को लेकर बिहार डाक प्रमंडल के द्वारा ये फैसला लिया गया है। इससे इसके पहले दिन ही 3 लाख लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया गया है। बताया जाता है कि इसके अतिरिक्त डाक चौपाल लगाने की भी पहल की जाएगी।
मयंक यादव के आईपीएल मैच खेलने पर बिहार में खुशी की लहर। आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मयंक यादव ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। बिहार के सुपौल में इसे लेकर खुशी की लहर है। इनके गांव में जश्न का माहौल है। इनके पूरे परिवार के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मयंक यादव कई रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। जसप्रीत बुमराह को शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ने की चर्चा अब तेज हो चुकी है। मालूम हो कि मयंक यादव आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सभी दुआ कर रहे हैं कि वो टॉप क्रिकेटर बने। आईपीएल 2024 में आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। AES मरीजों के लिए कई जिलों में बेड होंगे सुरक्षित। AES मरीजों के लिए 12 जिलों में बेड सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। जिला अस्पतालों में 10 बेड, अनुमंडल अस्पताल में 5 बेड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बेड सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि प्रभावित जिलों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना की आशा को ORS के 10 पैकेट और पारासीटामोल की 2 बोतल उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि AES से संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों को ट्रेनिंग 10 अप्रैल तक पूरी होगी। कार के लिए इस तरह से मिलता है अपनी पसंद का नंबर। कार में अपनी पसंद का नंबर प्लेट लगवाना संभव है। ऐसा करने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। इस कार्य को आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट https://fancy.parivahan.gov.in/fancy/faces/public/login.xhtml पर विजिट करना होगा। इसके बाद पब्लिक यूजर के विकल्प को चुनना है और कुछ डिटेल को भरना होगा। इसे भरने के बाद आपको लॉगिन बनाकर नंबर सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद RTO और व्हीकल कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके सामने फैंसी नंबर की लिस्ट आ जाएगी। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल को भर देना है। इसके बाद पेमेंट का रिसीट को डाउनलोड करना है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भोला पासवान शास्त्री के बारे में। भोला पासवान शास्त्री एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 21 सितंबर वर्ष 1914 में हुआ था। ये बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। इनके परिवार की आर्थिक हालत काफी दयनीय थी, जिस वजह से ये सरकारी राशन पर रहने को मजबूर थे। एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इनके कार्यकाल की समाप्ति हुई तब इन्होंने अपना जीवन झोपड़ी में बिताया। इनके ईमानदारी की चर्चा आज भी होती है। इन्होंने कभी राजनीति का लाभ अपने आर्थिक मजबूती के लिए नहीं उठाया और एक ईमानदार नेता व मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करते रहे। इन्होंने 10 सितंबर वर्ष 1984 में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस रूट से गर्मी की छुट्टी के लिए भारतीय रेलवे चला रहा समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टी के कारण स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है। यह स्पेशल ट्रेन रक्सौल, हावड़ा और कोलकाता जयनगर के बीच चलाने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन रक्सौल और हावड़ा के बीच 13 अप्रैल से लेकर 16 जून तक किया जाएगा। वहीं 12 अप्रैल से लेकर 15 जून तक जयनगर कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाना है। हर शनिवार को ये ट्रेन हावड़ा से खुलेगी, जो अगले दिन रक्सौल पहुंचेगी। फिर हर शुक्रवार को कोलकाता से कोलकाता जयनगर स्पेशल गाड़ी रवाना होगी। ये ट्रेन अगले दिन जयनगर पहुंचेगी। आपको बता दें कि बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जीसीडी, झाझा, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर और दरभंगा स्टेशनों पर रुकते हुए जयनगर कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर रिक्त पद होने पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर रिक्त पद होने पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 19 जुलाई को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ की ओर से सुनवाई की गई। इसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर कर जवाब देने के लिए कहा था। इस मामले में अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी। फोन की बैटरी बचाने की जाने 5 तरीके। फोन की बैटरी कम हो जाने पर कई लोग पावर सेविंग मोड को ऑन कर देते हैं। इससे काफी हद तक फोन की बैटरी को बचाने में मदद भी मिलती है, लेकिन कभी कभी जब फोन को चार्ज करना संभव नहीं हो तो पावर सेविंग मोड को ऑन करने के अलावा अन्य तरीके भी अपनाया जा सकता है। स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करके भी बैटरी को बचाने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा लोकेशन की सर्विसेज को बंद कर देना चाहिए। लोकेशन की सर्विस तेजी से बैटरी को खत्म करती है। एयरप्लेन मोड का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको नो नेटवर्क जोन में है
अगर आप नो नेटवर्क जोन में है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही पुश नोटिफिकेशन को बंद करने से भी बैटरी को बचाने में मदद मिलती है। मालूम हो कि डार्क मोड में एक्टिव करने पर भी बैटरी की बचत हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष का बयान, मोतिहारी में होगा भारत का सबसे बड़ा मंदिर। आचार्य किशोर कुणाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगरिया मोतिहारी पहुंचे। इन्होंने कैथवाली में बने विराट रामायण मंदिर का आरक्षण किया। निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन करने के बाद इन्होंने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है, इसके द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है। मंदिर में जाने से असीम शांति की अनुभूति होती है, मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ भारत के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने कहा कि हिंदू जिसे चाहेगा वो सरकार बनाएगा। प्रदेश में आज कुछ जगहों पर लू को लेकर चेतावनी। प्रदेश में कई जगहों पर पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम शुष्क देखने को मिल रहा है। हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं 7 और 8 अप्रैल को प्रदेश में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर लू की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री और कुछ जगहों पर 38 से 40 डिग्री जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री और 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के जमुई के बाद नवादा में रैली करेंगे पीएम मोदी। बिहार के जमुई जिले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अब नवादा में रैली करेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, इसके लिए सभी पार्टियों की तैयारी तेज हो चुकी है। 7 अप्रैल को पीएम मोदी नवादा में रैली करने वाले हैं। वहीं 9 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह औरंगाबाद में रैली को संबोधित करेंगे, इसके लिए वो पहले पटना आएंगे और यहाँ से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। बताया जाता है कि अमित शाह पटना में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। यहाँ पर चुनावी रणनीति पर विशेष बैठक होगी। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी, बिहार में इन 3 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी बिहार में इन 3 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। राजद और वीआईपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डील फाइनल हो चुकी है। इसके बाद वीआईपी अब 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद के हिस्से में आई सीट झंझारपुर गोपालगंज और मोतिहारी से मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने साझा प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा गठबंधन विधानसभा के चुनाव में भी जारी रहेगा। वहीं मोदी सरकार को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये सरकार देश में संविधान को खत्म करना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए रोड शो भी करेंगे। आगामी 9 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार गया लोकसभा क्षेत्र के बेला में रोड शो करेंगे। मालूम हो कि जदयू चुनाव अभियान समिति की ओर से ये घोषणा की गई है कि सीएम नीतीश कुमार सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश के मंच साझा करने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। चुनाव समिति के सदस्य जय कुमार सिंह ने कहा है कि घटक दलों के द्वारा जहां से भी कार्यक्रम की मांग की जाएगी वहां पर कार्यक्रम किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे ने थामा कांग्रेस का हाथ। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बताया जाता है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कहा जा रहा है कि पिता की मनाही के बाद इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। सनी हजारी को समस्तीपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो चुकी है। मालूम हो कि महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है। दूसरी ओर एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस सीट का उम्मीदवार मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी को बनाया है। इधर सनी हजारी के कांग्रेस में शामिल होने को एक बड़े सियासी खेल के तौर पर देखा जा रहा है। लालू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एमपी की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका मिला है। आर्म्स एक्ट के मामले में ये वारंट जारी हुई है। साल 1995 और 1997 में फर्जी अवैध फार्म को तैयार कर हथियारों को कथित सप्लाई के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 23 आरोपी नामजद हैं। इसमें से 6 के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। वहीं 2 लोग अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बताया जाता है कि 14 आरोपी इस मामले में फरार हैं।
आईपीएल 2024 में आज आरआर और आरसीबी के बीच मुकाबला होगा। मालूम हो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फिलहाल जीत के लय में लौटने को मजबूर है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये टीम जीतने का पूरा प्रयास करेगी। आरसीबी फिलहाल 8वें स्थान पर है, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे स्थान पर कब्जा कर रखा है। आरसीबी के पास अच्छे बल्लेबाज हैं। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 2 अर्धशतक के साथ 203 रन बनाकर ऑरेंज कैप को हासिल किया है। इनसे इस बार और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने पहली अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था। आज के दिन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी को नमक कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन वर्ष 1931 में भारतीय सिनेमा के मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का बंगाल में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जल डमरू मध्य तैरकर पार किया था। आज के दिन वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत के एकमात्र युवा अरबपति फोर्ब्स बिलियनर सूची में शामिल। भारत के एकमात्र युवा अरबपति निखिल कामत फोर्ब्स बिलियनर्स सूची में शामिल हुए हैं। ये जेरोधा के को फाउंडर हैं। इनके पास 38,403 करोड़ की कुल संपत्ति है। फोर्ब्स के टॉप 100 की लिस्ट में इन्होंने 44वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। जानकारी के अनुसार साल 2010 में निखिल कामत ने जेरोधा की शुरुआत की थी। कामत ट्रू बिकन और गृहस के भी को फाउंडर है। इन्होंने हाल में ही WTF फंड का ऐलान किया था। ये उभरते उद्यमियों को फैशन, सौंदर्य और घरेलू ब्रांड जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने का मौका देगा। मालूम हो कि निखिल कामत को मेहनत के दम पर सफलता हासिल करने वाले शख्स के रूप में जाना जाता है। 8,000 रुपए की सैलरी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। आज ये करोड़ों के मालिक हैं। CBSE ने 11वीं और 12वीं का नया परीक्षा पैटर्न किया जारी। CBSE ने 11वीं और 12वीं का नया परीक्षा पैटर्न जारी किया है। CBSE की ओर से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। इसका मकसद है कि छात्र और छात्राएं रटने के बजाय सीखने और समझने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। साल 2024 और 2025 के नए अकेडमिक सेशन से ये नया नियम लागू होगा। CBSE ने अब ये निर्णय लिया है कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर को कम किया जाए और पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड पत्र अधिक पूछे जाएं। इसके तहत MCQ प्रश्नों पर फोकस किया जाएगा। साथ ही शॉर्ट बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड सवाल इसमें शामिल हैं। साल 2024-25 में 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 50% सवाल कॉन्सेप्ट आधारित होंगे। लॉन्ग और शॉर्ट आंसर वाले सवालों को घटाकर 30% कर दिया गया है। मामूली तेजी के साथ बाजार बंद हो गया है। बैंकिंग और MFCG में तेजी देखने को मिली है। लगातार तीसरे हफ्ते बाजार में बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी 1% ऊपर चढ़ा है। इधर मिड मैप इंडेक्स में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेंसेक्स 20.59 अंक या 0.03% हल्की बढ़त के साथ 74,248.22 पर और निफ्टी 1 अंक नीचे 22,513.70 के स्तर पर बंद हो गया है। करीब 2,134 शेयरों में बढ़त सामने आई है, जबकि 1,353 शेयर नीचे गिर गए हैं। HDFC के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 32। इसका सही उत्तर है 26। हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है रेणुका चौधरी ने, ऑप्शन बी है प्रिया दीक्षित ने, ऑप्शन सी है शेफाली शरण ने, ऑप्शन डी है हंसा मिश्रा ने। इसका सही उत्तर है शेफाली शरण ने। हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है कमला कसोर को, ऑप्शन बी है हंसा मिश्रा को, ऑप्शन सी है शुभ्रा अग्रवाल को, ऑप्शन डी है ऋतु राज अवस्थी को। इसका सही उत्तर है शुभ्रा अग्रवाल को। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? ऑप्शन ए है जनजातीय लोगों के, ऑप्शन बी है किसानों के, ऑप्शन सी जमींदारों के, ऑप्शन डी है मजदूरों के। इसका सही उत्तर है किसानों के। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नुनू गोलू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोपाल कुमार मांझी, पवन सिंह, छोटू महतो,
मंटू कुमार, सरोज आडवाणी, गोनर शर्मा, राजू कुमार, राजकिशोर महतो, अतीक खान, रोशन कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यदि आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप बिहार में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।